एक वक्त था जब हजारीबाग के चूरचूर प्रखंड में नक्सलियों का वर्चस्व हुआ करता था। फिर वहां के किसानों ने हिम्मत कर लगन और मेहनत से वर्षों से बंजर पेड़ खेतों में फसल उगानी शुरू किया। लेकिन फिर पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण उनका करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। लॉकडाउन के दिनों में नुकसान सहने के बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो किसानों ने दोबारा उबरने की कोशिश की और फिर करीब 20 एकड़ में टमाटर की खेती की। लेकिन टमाटर के औने पौने भाव ने दोबारा किसानों को हताश कर दिया। लाखों रुपए लगाकर और कड़ी मेहनत करके टमाटर की खेती करने वाले किसानों की स्थिति यह हो गई है कि उनके टमाटर खेतों में सड़ रहे हैं। किसान बताते हैं कि टमाटर की कीमत इतनी कम है कि उसे बाजार तक ले जा कर के बेचना भी हमारे लिए महंगा पड़ रहा है। और समस्या ये है सर कि हम लोग पढ़ लिख करके खेती चूज किए थे करना, खेती करना शुरू किए, अब अगला साल किए तो कुछ मुनाफा हुआ, इस वर्ष किए हम लोग लगातार नवंबर से रेट कटा हुआ है और इतना बारिश में झेलते हुए तो पहले फला नहीं, दूसरा हम टमाटर मर गया, फिर अभी लगाए हम लोग 20 एकड़ में 2 आदमी मिल के। अब जैसे टमाटर हम लोग को बाज़ार निकलना चालू हुआ वैसे रेट पूरा औने पौने में बिक रहा है, जो कि आज हम लोग को मजदूरी नहीं मिल रहा है, आगे खेती करने से हम लोग असमर्थ हैं, अब बाहर जाना पड़ेगा कमाने के लिए। और समस्या ये है सर कि हम लोग पढ़ लिख करके खेती चूज किए थे करना, और इतना बारिश में झेलते हुए तो पहले फला नहीं, दूसरा हम टमाटर मर गया, फिर अभी लगाए हम लोग 20 एकड़ में 2 आदमी मिल के। अब जैसे टमाटर हम लोग को बाज़ार निकलना चालू हुआ वैसे रेट पूरा औने पौने में बिक रहा है, जो कि आज हम लोग को मजदूरी नहीं मिल रहा है, आगे खेती करने से हम लोग असमर्थ हैं, अब बाहर जाना पड़ेगा कमाने के लिए। और समस्या ये है सर कि हम लोग पढ़ लिख करके खेती चूज किए थे करना। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।